एक बार फिर से गंदी हुई संगम नगरी। देखिए एक बार फिर कैसे इन सब ने फैलाई तीर्थों के राजा प्रयागराज में गंदगी। जी हाँ, इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं प्रयागराज से, जहां पर 16 विदेशी जमाती सहित 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें धार्मिक उत्सव में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। बताते चले टूरिस्ट वीजा के नाम पर ये 16 जमाती आए थे। 14 लोग पर जमातियों को शरण देने का आरोप लगाया गया है। वहीं साक्ष्य छिपाने के आरोप में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा मस्जिद के 2 मुतवल्ली भी शामिल थे। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें इस समय प्रयागराज से, जहां पर 16 विदेशी जमाती सहित 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें धार्मिक उत्सव में शामिल होने का आरोप है। टूरिस्ट वीजा के नाम पर 16 जमाती आए थे। आपको बता दें 14 लोग जमातियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। साक्ष्य छिपाने के आरोप में पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया है। वहीं आपको सबसे बड़ी बात बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा मस्जिद के 2 मुतवल्ली भी इस मामले में शामिल हैं। आइए देखते हैं प्रयागराज से संवाददाता अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट।